नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों गदर 2 रिलीज के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। 11 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है। एक गाना रिलीज हो चुका है, ऊर्जा का लिखावा, जिसने इतिहास बना दिया है। यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी जबरदस्त वायरल हुए है। तो दोस्तों अब जो इसका नया गाना आने वाला है, मैं निकला गड्डी लेके, दोस्तों ये गाना गदर एक प्रेम कथा का ब्लॉकबस्टर आइकॉनिक कल्ट क्लासिकल सॉन्ग कहते हैं इसको, बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है। तो इस गाने को फिर से रिक्रिएट किया गया है, मिथुन ने इसको रिक्रिएट किया है। और दोस्तों अभी ये गदर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर अनिल शर्मा थे, मिथुन थे, उदित नारायण थे। तो उन्होंने इस गाने के बारे में डिटेलिंग दी है, जानकारी दी है। उदित नारायण साहब ने बताया था किस प्रकार से मैंने वो ऊर्जा का लेखा हुआ गाना गाया है और किस प्रकार से रिक्रिएट किया गया, और हमने कोशिश की है कि पुराने गाने की जो मौलिकता है उसको बरकरार रखा जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो दोस्तों अब खबर ये है कि जो दूसरा जो गाना है, मैं निकला गड्डी लेके, इतना जबरदस्त गाना है, इस गाने को भी रिक्रिएट किया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये गाना आपको अरिजीत सिंह की आवाज में सुनने को मिलने वाला है। जी दोस्तों, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना सुनने को मिलने वाला है। और शायद ये गाना फिल्म में उत्कर्ष शर्मा पे फिल्माया जाएगा। आपकी बात उत्कर्ष शर्मा पे, मतलब कि जो गदर 2 है इसके जो भी गाने आ रहे हैं उसमें दोस्तों उदित नारायण तथा अरिजीत सिंह की आवाज को मतलब एक तरीके से काम में लिया गया है, और उन्हीं की आवाज में ज्यादातर गाने होंगे। और जो अरिजीत सिंह है उनकी जो आवाज है वो दोस्तों उत्कर्ष शर्मा के लिए काम में ली जाएगी, और उदित नारायण सर की जो आवाज है वो सनी देओल सर के लिए काम में ली जाएगी। तो गाने को रिक्रिएट किया गया, बहुत ही जबरदस्त गाना होने वाला है। और इसी के लिए मैंने आपको ये वीडियो में जानकारी दी है कि ये गाना कभी भी रिलीज हो सकता है, बहुत जल्दी रिलीज होगा गाना। और जैसे ये गाना रिलीज होगा, गाना तहलका मचा देगा यूट्यूब पे जबरदस्त तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से गाना बनाया गया है, लेकिन ये ध्यान रखा गया है कि जो ओरिजिनल गाना है, जो प्रीतम जी का जो म्यूजिक था, उसको एक बरकरार रखा जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस तरीके से इसको रिक्रिएट किया गया है कि आपको उस गाने वाला मजा भी आपको दोबारा याद देखने को मिले। तो उस गाने की मौलिकता को ध्यान में रखकर के, गाने के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर करके गाने को तैयार किया गया है। तो अरिजीत सिंह की आवाज में इस गाने को सुनने के लिए आप बेताब होंगे, जल्दी ही ये गाना रिलीज होने वाला है। और अभी तक मेरे पास जो खबर है उसके अनुसार तो ये उत्कर्ष शर्मा पे ही फिल्माया जाएगा ये गाना। बाकी हो सकता है कि सनी देओल सर की भी एक झलक देखने को मिले, या उनका भी जो अंदाज था वो भी इस गाने में देखने को मिले। अगर सनी देओल सर का भी इसमें अंदाज मिलता है गाने का, तो फिर वो उदित नारायण की आवाज होगी। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है वो अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना आने वाला जल्दी ही यूट्यूब पर। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।